welcome our very special guest, Sara Umair. चार साल के गैप के बाद पहला इंटरव्यू की बिस्मिल्लाह मेरी आपसे हुई है, स्टार्ट आपके शो से हुई है। कैलकुलेट करेंगे, आईज पे इतना है, लिप पे इतना है। नहीं नहीं, घंटा तो लेती हूँ मैं। ना मैं अपनी अम्मा की मर्जी के बगैर अपने बाल ट्रिम करवाती हूँ और ना मैं अपनी अम्मी की मर्जी के बगैर कोई भी काम करती हूँ। मतलब जैसे वो कमौले का टिपिकल टाइप का कैरेक्टर नहीं होता, ये तो एक नाम हमारे दिमाग में बैठ गया ना, कमौले का। खाना पीना घूमना शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं गुड इवनिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको एक ऐसी एक्ट्रेस से जो मेरी तो फेवरेट है ही, लेकिन यकीनन वो आप सबकी भी बहुत फेवरेट है, दिलों पर राज करने वाली एक, और उनको ब्यूटी क्वीन कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी बहुत फेवरेट है। 5 साल स्क्रीन से गायब रहने के बाद होने वाली है उनकी एक धमाकेदार एंट्री। उससे पहले मैंने ले लिया है उनका इंटरव्यू और जानेंगे उनसे कि कहाँ पर उनको हम देखने जा रहे हैं और 5 साल क्यों स्क्रीन से गायब रही, उन्हीं से जानेंगे। सो प्लीज वेलकम अ वेरी स्पेशल गेस्ट, सारा उमैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक यार, एज यूजुअल यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आप जिस तरह 5 साल पहले भी थी, हम आपको देख रहे हैं, आप 5 साल बाद भी वैसे ही हैं सारा, बिल्कुल मतलब कोई चेंज नहीं, बल्कि मजीद इनहेंस हो रही है आपकी ब्यूटी। सो स्वीट ऑफ यू, आपके देखने का कमाल है। देखने का कमाल तो है ही, लेकिन आप हैं भी ना कि हमारा कमाल मतलब ऑटोमेटिकली बाहर है। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि 5 साल का गैप क्यों? 4 साल का एक्चुअली, 5वें साल मैंने लगने नहीं दिया, 5वें में मैं एंट्री मैंने कर दी एंट्री। हाँ लेकिन चल रहा, अगर ना करती तो फिर 5 भी हो सकता। एग्जैक्टली ना, वो हम सोचते ना 13 होने लगा हूँ इसलिए 5 होने वाला है, 5 होने लगा हूँ तो अभी हम 5 ही कर देते हैं इसको। अच्छा वो इसलिए कि जो है 2017 में मैंने अपनी लास्ट फिल्म की थी, एक्चुअली 16 में, मेहरून निसा वी लव यू, और 17 में आई गॉट मैरिड, तो मैंने ज़रा शोबिज़ से गैप ले लिया और फिर ये है कि वो 2 साल का गैप वैसे ही था, फिर माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए, फिर वो 2 साल और बढ़ गए इस तरह से। अच्छा ये जैसा अभी इन्होंने जिक्र किया है कि ये मैरिड हैं, उसके बाद इनकी शादी हो गई, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको पता भी होगा कि इनके हस्बैंड का क्या नाम है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताती भी चलूँ कि ये हमारे एक बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली मैं आपको बताती चलूँ कि ये उनकी मोहसिन तलत साहब की वाइफ हैं। तो अब इनसे बात करते हैं कि वो उनकी वो पर्सनालिटी कैसी है, एग्रेसिव होते हैं क्योंकि अक्सर उनको देखा जाता है शूट पर कि वो बहुत ज़्यादा शाउट भी हो जाते हैं और नहीं नॉट एट ऑल, मोहसिन इज नॉट सीरियस टाइप ऑफ अ पर्सन, और वो मतलब बिल्कुल शाउट नहीं करते, ना सीन अगर ना हो पा रहा हो या नहीं। नहीं मोहसिन का बड़ा मशहूर है कि वो बहुत कूल एंड काम किस्म के, कूल है मेरे ख्याल से इतने डायरेक्टर्स में मोहसिन शायद वन एंड ओनली होंगे जो सबसे ज्यादा कूलेस्ट बंदे होंगे। वाओ, फिर तो आप बहुत लकी। नहीं, अच्छा, नहीं, आप नहीं लकी है, मुझे लगता है कि वो लकी है। नहीं नहीं, आई एम लकी टू हैव हिम इन माय लाइफ और एज अ हस्बैंड, वो मतलब ही इज वेरी लवली। ही इज लकी टू हैव यू आई थिंक, बट ये आपका प्यार है और ये मेरा प्यार है। अच्छा ये बताएं, वो मतलब घर में भी आपके साथ उनका रिलेशन कैसा है, यानी कि वो कैसे हस्बैंड हैं, बहुत केयरिंग लविंग, क्या ओपिनियन क्या फीडबैक होगा आपका उनके लिए? लवली, वो मतलब मोहसिन के लिए छूटते कहा जाता है कि ही इज सो स्वीट, सो पोलाइट और बड़े हम्बल किस्म के इंसान है वो। और मैं एक्चुअली, इससे पहले आपका मजीद सवाल है तो मैं खुद ही बता दूँ कि मोहसिन की जिस बात पे मैं मर मिटी तो वो उनकी पोलाइटनेस और उनकी हम्बलनेस और सबसे बढ़ के कि उनकी उनकी जो जुबान है ना, अच्छा उसकी वजह से मैं मर मिटी। और वो वो तो ऑफ कोर्स ये दोनों तरफ आग बराबर थी, तभी मैं आज यहाँ हूँ और हमारे माशाल्लाह दो नतीजे भी हैं। एग्जैक्टली, अपने दो नतीजों का नाम भी बताइए जरा। मेरे बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद जुबैर बिन मोहसिन और छोटे वाले का नाम है मोहम्मद जुहान बिन मोहसिन। अच्छा, वेरी गुड, बहुत प्यारे नाम है। नाम किसने रखे?
ज़ुबैर मेरी अम्मा ने रखा है, मामा ने रखा है, और जुहान पे मैंने मोहसिन से पूछा था कि मुझे ये जेड जेड से रखना चाह रही हूँ, तो मिलता जुलता होना चाहिए, तो यूनिक सा है क्योंकि अभी ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है जुहान, तो मैं ये रख लूँ, तो उन्होंने कहा जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि मोहसिन का हमेशा ये होता है कि जिसमें आपकी खुशी, तो वो चीज़ होती है। अच्छा ये बताएं कि कुकिंग में आप कैसी हैं? कुकिंग में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं शादी से पहले तो कभी, मतलब ये महावरतन नहीं कह रही मैं, सीरियसली मेरी मामा ने मुझसे कभी भी जो है वो एक गिलास पानी तक का नहीं उठवाया, और मैंने घर का कभी कोई, क्योंकि मैं और एक मेरा भाई, हम दो ही बहन भाई हैं, और दोनों ही बड़े पैम्पर्ड किस्म से रहे हैं, और बड़े पैम्पर मामा ने हमें किया है, तो मेरा भाई ज़रा ज़्यादा पैम्पर्ड है, मैं थोड़ी कम हूँ, लेकिन मैं भी बहुत हूँ, तो मैंने कभी घर के कोई काम वाम इस तरह से नहीं किए हैं, लेकिन शादी के बाद मेरे लिए जब ज़रा टास्क था ये, क्योंकि मोहसिन को बेसिकली घर के खाने पसंद हैं, मोहसिन को कढ़ी चावल, दाल चावल, इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं, घरेलू ख़वातीन अच्छी लगती हैं, ये है वो है, तो उस चक्कर में मेरे लिए बड़ा टास्क था कि नहीं, मुझे वर्किंग लेडी तो मैं थी, तो लेकिन मुझे ज़रा अपने आप को चेंज ओवर ये मारना था कि मैं प्रूव करना चाहती थी कि हाँ भाई आई कैन बी अ घरेलू एज वेल, तो उस चक्कर में मैं तो ऐसी घरेलू बनी कि मैं किचन क्वीन ही बन गई, तो वो 4 साल मैंने ऐसा राज किया ना अपने किचन पे, सही मायनों में रूल किया मैंने किचन, तो मेरी अम्मा ने बकायदा मेरा नाम रख दिया भाई ये तो किचन क्वीन बन गई है, शी इज़ अ क्वीन ऑफ किचन, कुकिंग के साथ साथ बेकिंग, मतलब बेकिंग तक मैंने सीख ली, बेकिंग जो कि बहुत एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उसमें आपका मेजरमेंट्स का बड़ा ख्याल रखना होता है, ज़रा सा भी 1.5 समथिंग आपका अगर मेजरमेंट आपकी ख़राब होगी तो आपका पूरा केक ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है, तो पूरी बेकिंग आपकी ज़ाया हो जाती है, तो मतलब मैंने मोहसिन के लिए कुकिंग के साथ साथ बेकिंग भी सीख ली, पूरी घर गृहस्थी सीख ली, मतलब और क्या क्या पसंद है उन्हें और आप आगे मजीद सीखना चाह रही हैं या सीख चुकी हैं? कि मुझे क्या पसंद है या उनको और क्या पसंद है खाने के? नहीं नहीं, मोहसिन मोहसिन फूडी हैं, लेकिन वो इस तरह का नहीं, वो बेसिकली जो है वो बड़े सादी तबीयत का इंसान है मोहसिन, और वो जैसे दाल चावल, मुझे लगता है 365 दिन में अगर दिन रात उन्हें दाल चावल और कढ़ी चावल खिला दो तो वही खाते रहेंगे, वो इतने बहुत बहुत सादी तबीयत के, मोहसिन का वो सीन नहीं है कि कॉन्टिनेंटल होना चाहिए, इटालियन होना चाहिए, चाइनीज होना चाहिए वाला सीन नहीं है उनका, सिर्फ ये देसी देसी में दाल सब्जी, मैं ओवरऑल मुझे जैसे आई लव सुशी, मैं बहुत सुशी माइंडेड हूँ, और मैं बहुत ऑपोजिट हूँ, मुझे स्टेक्स बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी, लेकिन मैं देसी भी हूँ, बिरयानी तो आई कैन ईट एवरी टाइम, और अपनी अम्मा के हाथ के शामी कबाब, और हमने उनको नाम दिया है मामा के हाथ के जंबो शामी कबाब, क्योंकि उनके हाथ छोटे से और उनके कबाब इतने बड़े बड़े मजेदार से होते हैं, भरे वाले। ओके ओके, तो अच्छा ये बताएं कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, हम देखते हैं तो काफ़ी जो है वो पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, और सभी हमें बहुत पसंद है आपके बालों के हवाले से, अक्सर हम देखते हैं कि कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो ये बताएं कोई एक दो ब्यूटी टिप्स बताएं, क्या ऐसा अप्लाई करती हैं जो हमारे नहीं होते? आप इतनी खूबसूरत, हर चीज़ एक मुकम्मल, मैं इनको पहले भी कह रही हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था मुझे बहुत पसंद है, ये एक जो है प्रॉपर मुकम्मल कंप्लीट पैकेज है, ऐसा क्यों, मतलब कोई ऐसी टिप या कोई ब्यूटी टिप आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ तो बहुत ही एक अच्छी आप बात। आप यकीन कह रहे हो रूज, मैंने कभी अपने चेहरे पे, अपने बालों पे कुछ अप्लाई नहीं किया, मैं नहीं करती, और बल्कि मुझे डांट भी अपनी अम्मा से इसी बात पे पड़ती है कि तुम तो मुझे किसी एंगल से एक्ट्रेस नहीं लगती, अच्छा। तुम किसी एंगल से मुझे सेलिब्रिटी नहीं लगती, तुम कुछ इस तरह की, इसलिए क्योंकि तुम अपना ख्याल ही नहीं रखती, ना तुम अपने नेल्स का ख्याल रखती हो, ना तुम टाइम पे नेल पॉलिश लगाती हो, ना तुम ये, मतलब स्क्रीन पे तुम्हारे हाथ बिल्कुल ऐसे आते, अभी भी ऐसी है, बिल्कुल बनावटी नहीं हूँ मैं, जो मैं अंदर से हूँ वो मैं बाहर से हूँ, और मुझे मतलब हाँ आई लव मेकअप, मुझे मेकअप बहुत पसंद है, लेकिन मैं अप्लाई इतना नहीं करती थोक के हिसाब से, लेकिन हाँ कैरेक्टर की अगर डिमांड है तो उसके हिसाब से मैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर मैं अपना मेकअप अप्लाई करती हूँ, कि जैसे अगर वो नेगेटिव है तो मुझे उस तरह का शार्पनेस कैसे देनी है, पॉजिटिव है तो उसमें तो आपकी शार्पनेस हो ही नहीं सकती, उसमें तो मेकअप ही बड़ा कम होगा, और अगर भोली भाली इस तरह का सीन है, बिल्कुल ही बेचारी मजलूम है, तो वो तो मेकअप नो मेकअप वाला सीन होगा, तो वो, और दूसरा एक क्वालिटी मुझमें ये भी कि आई एम अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, तो मेकअप की तमीज़ है मुझे, तो मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने शूट्स के सारे मेकअप मैं खुद ही करती हूँ।
मतलब कि शूट्स पर मेकअप आर्टिस्ट को कोई तकल्लुक नहीं, मैं जाती अपने सेट पे कहती हूँ कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट होता है ये तो रिकॉर्ड है मेरा कि अगर जिस सेट पे भी मैं हूँ उस मेकअप आर्टिस्ट से आप आंखें बंद करके पूछ लें। मैं जाती सेट पे ये कहती हूँ कि बैठ जाओ बेटा, अभी पूरा दिन है करने के, थकने के लिए, अभी जो और भी लोग हैं तुम्हें थकाने के लिए, लेकिन मेरी ज़ात से आराम ले लो क्योंकि मैं कुछ नहीं करती। बालों में मेरी कुछ होता नहीं क्योंकि इतने डेड स्ट्रेट और वो सिल्की हैं कि उस पर कोई आप स्टाइलिंग एज सच नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि कोई डिमांड ना हो, वरना नॉर्मली मेरे इसी तरह बाल होते हैं। ये भी गॉड गिफ्टेड है भाई। हाँ, मेरे डेड स्ट्रेट ही हैं और बालों का कलर मेरा ओरिजिनल है ब्लॉन्ड, उस पर भी मैं कोई डाई शाये कुछ नहीं लेती। हाँ, बीच में जैसे मुझे चेंज करने का एकदम होता है, बल्कि एक दो बार मैंने अपनी अम्मा से पूछा, मैंने कहा कि मामा मैं बालों को थोड़ा सा डार्क करके देखूँ, तो मुझे शदीद किस्म का खबरदार उन्होंने कर दिया कि खबरदार जो तुमने बालों को डार्क कलर दिया, क्योंकि तुम जैसी हो मैंने जैसे दिया है शोबिस को अपनी बेटी वैसी ही मुझे चाहिए, तो मैं डर के मारे कलर ही नहीं अप्लाई करती भाई, कि मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती कुछ नहीं, ना मैं अपनी अम्मा की मर्जी के बगैर अपने बाल ट्रिम करवाती हूँ और ना मैं अपनी अम्मी की मर्जी के बगैर कोई भी काम करती हूँ। मतलब मेरी हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मेरी माँ का बहुत होता है। अच्छा, ये बताएं आपके फर्दर प्लान क्या हैं? आप स्क्रीन पर आपकी, जैसे मैंने बताया कि वापसी होने जा रही है, तो किस तरफ जा रही है, फिल्म की तरफ या सीरियल्स की तरफ, लाइक किस तरफ? नहीं, अभी तक फिल्म का तो नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली आई विल अवेल इट। बट अभी तो रिसेंटली अभी मैंने फैसल बुखारी साहब का एक सीरियल किया है, अभी ख़त्म हुआ है, संगीता आपा की प्रोडक्शन थी और फैसल बुखारी साहब उसके डायरेक्टर थे, बहुत अच्छी टीम थी हमारी और बाबर अली मेरे अपोजिट थे एंड दैट वॉज अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर। आई थिंक मैंने उस टाइप का कैरेक्टर शायद अपने पूरे करियर में 17 साल के करियर में नहीं किया। अच्छा, तो मज़ा आया बहुत वो नेगेटिव कैरेक्टर? हाँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का नेगेटिव किया, तो दैट वाज रियली डिफरेंट और मुझे बड़ा मज़ा आया। वो कैरेक्टर का नाम भी समरा था, लेकिन आई एम श्योर कि जब वो ऑन एयर होगा और जब लोग देखेंगे तो मुझसे नफरत तो ज़रूर करेंगे और आई थिंक आपके कैरेक्टर की जीत ही यही है कि जो अगर पॉजिटिव कैरेक्टर है तो लोगों की सिंपथीज आपके साथ होनी चाहिए और अगर नेगेटिव है तो लोगों की नफरत होनी चाहिए। तो अगर नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू डिड समथिंग रियली गुड। एग्जैक्टली। तो क्या कैरेक्टर क्या था वो जो नेगेटिव कैरेक्टर, जाहिर है कोई चाले खेलने वाला है कुछ? हाँ, एग्जैक्टली वो आप कह रहे थे ना कि वो जैसे वो कमोलिका टिपिकल टाइप का कैरेक्टर नहीं होता, ये तो एक नाम हमारे दिमाग में बैठ गया ना, कमोलिका, तो वो इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट, तो वो कुछ इस तरह का है और बाबर अली के ऑपोजिट है, बाबर अली साहब के, और उनके साथ काम करके उनके उनका एक्सपीरियंस, मतलब मेरा कम बैक ही था और बहुत अच्छा कैरेक्टर के साथ कम बैक हुआ, तो और उससे पहले मैं आपके शो में आ गई तो ये भी एक कम बैक हो गया। वाओ। अच्छा, ये बताएं कि कौन सा कैरेक्टर करने में आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, कौन सा ऐसा आपके करियर का कैरेक्टर था जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था आपके लिए? सबसे मज़े का कैरेक्टर जो था, मज़े के तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग सा, जैसे मैंने एक बड़ा सिंगल प्ले किया था ताल्लुक, जियो, जियो के लिए। हाँ, तो बहुत पुराना था, मास्टरमाइंड प्रोडक्शन का था। ओके। वो सिंगल प्ले मुझे करके, वो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट था उसका हलाला, दैट वॉज ट्रू स्टोरी, और वो एक हलाला सब्जेक्ट पे था और उसके जो कास्ट थी मैं थी, फिरदौस जमाल साहब थे और वो मौलवी बने थे उसमें, और अदनान जिलानी साहब उसमें थे जो मेरे हस्बैंड बने थे। तो गुस्से में जब वो मुझे तलाक दे देते हैं, मुंह से बोल देते हैं, तो मेरा हलाला होता है उस मौलवी के साथ। ओके। तो वो बड़ी अच्छी सी स्टोरी थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक वो और एक और दिल को छूने वाला जो था मेरा, वो मोहसिन का ही था, सिंगल प्ले था, वो ढोल ड्रामा था, वो एआरवाई के लिए। अच्छा, तो सारा मुझे ये बताएं कि हॉबीज क्या हैं आपकी, क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि सारा अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी है, क्योंकि अक्सर हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं तो स्क्रीन पर जाहिर है आपका जो कैरेक्टर होता है आप हमें उसी में नजर आ रही होती है, लेकिन कोई भी मतलब इतना ज्यादा आपके बारे में नहीं जानते, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी हॉबीज के बारे में क्या है, सारा अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, डेली रूटीन में बताएं क्या है आप? पहले तो मैं जो है, मेरी जो हॉबीज थी वो सिर्फ खाना पीना घूमना शॉपिंग। अच्छा, और यानी अभी सोना। अच्छा, सोना, सोना बेसिकली आई लव टू स्लीप, ये मेरी हॉबीज का हिस्सा था। लेकिन आफ्टर किड्स मेरी सारी हॉबीज अब ख़त्म हो गई हैं, मेरी मेरा पूरा रुझान, मेरी पूरी अटेंशन, मतलब मेरा आप सोचें ए टू जेड जो मेरा फोकस है वो अब से बच्चों पर हो गया।
अच्छा इनको मैंने फॉलो भी किया हुआ है, जैसे लाइक इनके पेजेस हैं। अच्छा वहाँ से मुझे ये थोड़ा सा पता चला था इनके हवाले से कि ये इनको सेल्फीज का, पिक्चर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा क्रेज है, शौक है, तो इस पर भी मैं बात करूँगी कि वाकई ऐसा है। दैट्स ट्रू, मुझे पिक्चर्स खींचने का बहुत, बल्कि ये स्मार्टफोन्स में जो है अभी जो है सेल्फी कैमराज आ गए हैं फ्रंट पे, लेकिन मैं तब से ये खींचती आ रही हूँ, जब से बैक कैमरा होता था तो मैं फ़ोन यूँ टर्न करके जो है ना, मैं यूँ करके खींचती थी, बल्कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरा रिकॉर्ड भी लग रहा है, वो यूँ 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 करती रहती है टेढ़े मुँह बना के। और आई लव टू पाउट, आई ऑलवेज लव टू पाउट, मेरी मोस्टली पिक्चर्स जो है ना वो पाउट के साथ होती है, वो कभी यूँ होगा कभी यूँ होगा कभी यूँ होगा, मतलब होता है, कहीं ना कहीं चोंच निकल आती है मेरी, वो नेचुरली निकल आती है। अच्छा, वो हैबिचुअल भी हो जाते हैं ना हम लोग पाउट कर करके। अब तो खैर फैशन में इतना आ गया है, लेकिन मेरी बचपन की आदत है। अच्छा कुछ चीजें मेरी बचपन से है, जैसे मैं अपनी फेवरेट बहुत हूँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को खुद ही एडमायर करती, यानी कि कोई मेरी तारीफ करे ना करे। अच्छा, मुझे पता मैं कैसी हूं। मेकअप करने वाइल मेकअप तो बहुत ज्यादा अपने आप पर प्यार होगा, आईज बना ली समटाइम्स, तो मतलब मुझे जैसे मैं अपने आप पे खुद ही इतरा रही होती थी, अभी नहीं लेकिन हाँ, अब जरा एज के साथ ना थोड़ी से वो लड़कीपन जरा सा कम हो जाता है, फिर आप जब वो एक माँ बनते हैं, बीवी बनते हैं, माँ बनते हैं, तो आपकी जरा जो है वो ख्वाहिशात थोड़ी सी उस हिसाब से आपका जो फोकस है वो डिफरेंट तरीके से चला, वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है बच्चों में, बिल्कुल हो जाता है, और हर एज का मेरे हिसाब से, मेरी नजर से देखें तो हर एज का एक मजा है, टीन एज का अपना मजा है, टीज का अपना मजा है, 20s to 30s 40s और फिर 40 के बाद वाली लाइफ का अपना मजा है, बट आई एम 34 वो तो लग भी रही है माशाल्लाह, आप तो स्टिल, आप 50 अबव भी जाएंगी ना, आप ऐसे ही रहेंगी। अल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं कि ड्रेसिंग के हवाले से, यानी कि बहुत ज्यादा चूजी हैं कि नहीं ये वाला ब्रांड होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कौन सा ब्रांड आप पहनती हैं? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे अगर 100 रुपए की चीज भी पसंद आ रही है ना राह चलते हुए फुटपाथ पे, तो मैं वो भी लूंगी। अच्छा, मेरे लिए ये नहीं है कि ये अगर ब्रांड है तो मुझे सिर्फ ब्रांड के लिए जाना है, मुझे अक्सर मेरा मानना ये है कि सिर्फ नाम होता है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अगर वो चीज आपकी 500 रुपए की भी है और वही चीज 5,000 में भी है तो आई विल गो फॉर 500, तो वो चीज है। लेकिन हाँ, आपके शौक का कोई नेमो बदल नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपका शौक है तो आप 1,00,000 रुपए की चीज़ के भी चले जाएंगे, आउट ऑफ द वे जाएंगे अगर आपका शौक है। जैसे मुझे मेकअप का शौक है, मुझे मेकअप बहुत पसंद है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मेकअप पे मैं बहुत खर्चा करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेकअप में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, कि वो ना हो तो बस कयामत आ जाएगी, यार ये चीज नहीं है, ये चीज होनी चाहिए, मस्कारा। अच्छा एक और बात बताएं मुझे, इससे रिलेटेड कॉमन सा सवाल है कि फॉर एग्जांपल आपके पास सारा मेकअप अवेलेबल है, एक तो आपने बताया मस्कारा ना, और अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे आप सारा काम चला लेंगी? एक लिपस्टिक काफी है मेरे लिए, एक ही लिपस्टिक काफी, जैसे मैं पूरा मेकअप आपको करके दिखा दूंगी। हाय अल्लाह। अच्छा फॉर एग्जांपल कि आपके पास सारा मेकअप अवेलेबल है, कितना टाइम लगाएंगे मेकअप में? ये इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे लगता है कि लगता नहीं है, मुझे पता है, कैलकुलेट करेंगे, आईज़ पे इतना है, लिप पे इतना है। नहीं नहीं, घंटा तो लेती हूँ मैं, एटलीस्ट घंटा। अच्छा, तो कहीं नहीं गया वो तो मेकअप हुआ उसके, लेकिन जब मुझे पता है कि काम की नौयत मेरी है कि मुझे मेरे पास टाइम मार्जिन है, तब तो मैं इतना टाइम लूंगी, तो उसमें बाल वाल पूरी तैयारी आ जाएगी, सिर्फ एक अकेले मेकअप पे नहीं होगा। अच्छा, उसमें ओवरऑल तैयारी आ जाएगी। अच्छा ओवरऑल, हाँ मेकअप के लिए 5 मिनट वाला मेकअप भी है, 10 मिनट वाला भी है, और 5 मिनट वाला कौन सा है? 5 मिनट वाला वो जिसमें अभी मैं जब मुंह धोंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी 5 मिनट वाला कौन सा होता है, वो एक ही लिपस्टिक से होगा, वो सारा मेकअप होगा 5 मिनट वाला। अच्छा हेयर स्टाइल, मतलब ये हेयरडू वगैरह, इसकी भी कोई क्रेज ही है आपको, मतलब क्रेज रहता है आपको कि ये हेयरडू ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर बस स्ट्रेट? हाँ डिपेंड करता है, जैसे मुझे लगता है कि आपका मेकअप तो होता है, मेकअप आपका होता है 40% और 60% आपके बाल होते हैं। अगर आपका हेयरडू अच्छा नहीं बना हुआ ना, तो आपका पूरा नहीं, आपका पूरा फेस बिगड़ जाएगा, आपका फीचर्स बिगड़ जाएंगे। किसी भी दुल्हन को आप देख लें उठा के, या कोई भी पार्टी मेकअप कर ले, मेकअप अगर अच्छा है, अगर उस औरत के बाल बुरे बने हैं ना, तो वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी क्रश होगी आपकी सोच। अच्छा सारा ये बताएं, वॉइस ऑफ नेशन में आकर आपको कैसा लगा? वॉइस ऑफ नेशन में मुझे आके बहुत अच्छा लगा,
और लग नहीं रहा कि पहली बार आई हूँ. एक तो 4 साल के गैप के बाद पहला इंटरव्यू की बिस्मिल्लाह मेरी आपसे हुई है, स्टार्ट आपके शो से हुई है, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और मैंने बहुत इन्जॉय भी किया है. और सबसे बढ़ के आई रियली लाइक्ड योर कंपनी और मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, मिल के यहाँ के लोगों से, ओनर से, सबसे. बहुत अच्छा एटमोसफेयर है, बहुत अच्छा माहौल है. और बस क्या कहूँ, तो अब ख्वाहिश है कि दोबारा फिर आऊँगी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दोबारा फिर बुलाएंगे, क्योंकि सारा को तो इतनी जल्दी हम छोड़ने वाले नहीं है. जब ये बूढ़ी भी हो जाएगी ना 50 अबव, तब भी हम बुलाएंगे सारा जी. हाँ बताएं. नो नोट करें, बूढ़ी हो जाएगी 50 अबव. 50 अबव के बाद चलिए 60 अबव कर लेते हैं. अल्लाह, ये होने वाली तो नहीं है, लेकिन ये तो मुझे कन्फर्म है. कुछ लोगों को जो है ये शक है कि पता नहीं वो इंस्टाग्राम मेरा है भी कि नहीं है. तो मैं लोगों को, अपने फैंस को ये जरूर बताना चाहूंगी कि मेरा एक ही अकाउंट है और उसका लिंक है सारा उमेर 22. तो यही मेरा इंस्टा अकाउंट है, और इसके अलावा जो भी है वो सब फेक है. तो और जो पिक्चर्स मैं पोस्ट करती हूँ वो ओरिजिनल होती हैं. और इस अकाउंट पे मैं आपको डायरेक्टली खुद मिलूँगी, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी एक वीडियो भी अपलोड करूँगी अपने अकाउंट से, ताकि मेरे लोगों को, मेरे दोस्तों को, मेरे फैंस को पता चल जाए कि हाँ, दिस इज़ द रियल अकाउंट. सो दैट्स इट जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का भी इख्तिताम होता है. आज हमारे साथ मौजूद थी एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी. अब मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत तारीफें कर चुकी हूँ. मेरी शर्मिंदगी हो गई, तारीफ हो गई, मुझे शर्म आनी शुरू हो गई. सारा के हवाले से, इनके फर्दर प्लान्स और इनकी रूटीन के हवाले से अगर आप कोई कमेंट देना चाहें, हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना कोई फीडबैक देना चाहें, तो ज़रूर दीजिएगा. इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त. देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन. अलाव वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक